इट इज द रेशियो ऑफ पहले तो सब्जी बेच ले, बेच ली भाई साहब चले गए आगे। ये निकल गई यहाँ पर, अरे वाह देखो बिल्कुल सीधा नहीं है, इतना तो मेरे से क्या स्केल से नहीं बढ़ता। तो बच्चों कैसे हैं आप? तो देखिए बच्चों मोस्ट वेलकम ऑन फिजिक्स बाय सीपी गया। आज जैसा कि आपको बोर्ड पर टॉपिक दिख रहा है, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी व लेंस सूत्र, साइन कन्वेंशन एंड साइन फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो के अंदर हमने मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, साइन कन्वेंशन पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक लेवल और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी तथा लेंस सूत्र, मींस साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों यहां पर चिन्ह परिपाटी मींस साइन कन्वेंशन जैसा कि मिरर के लिए था, किसके लिए था? मिरर के लिए, वैसा ही लेंस के लिए है, बट हल्का सा, बिकॉज मिरर में क्या होता है, मींस दर्पण के अंदर क्या होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, दर्पण में होता है परावर्तन और लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो लेंस और इसमें हल्का सा डिफरेंस है, चिन्ह परिपाटी सेम है, मतलब जहां मैंने दर्पण में यह कहा था कि आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पकड़ना है, मींस आपकी जो प्रिंसिपल डायरेक्शन रहेगी, जो मेन डायरेक्शन जो रहेगी वो कौन सी डायरेक्शन रहेगी, इंसिडेंट रे। समझ में आया दोस्तों? ऐसे यहां पे भी मेन जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, इंसिडेंट रे है। हल्का सा इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हम लेंस फॉर्मूला की। देखिए दोस्तों हमने क्या लिया, ये एक लेंस ले लिया, ठीक है, कैसा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, मींस उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस है तो सीधी बात है दोस्तों, जब लेंस की बात आती है तो लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, मींस रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, मींस लाइट क्या होती है, इस मीडियम से, लेंस वाले मीडियम से दूसरे मीडियम में चल जाती है। देखो फर्स्ट मीडियम कौन सा है, एयर है, सेकेंड मीडियम कौन सा है, ग्लास है, मींस लेंस है, उसके बाद थर्ड मीडियम जो है वो फर्स्ट मीडियम आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे दोस्तों, जहां भी ऑब्जेक्ट रहेगा वहीं पे प्रिंसिपल डायरेक्शन रहेगी, यानी मेन डायरेक्शन रहेगी आपकी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ सेम डिस्टेंस, दोस्तों जब आप इसको पेपर शीट बनाते हो तो इक्वल डिस्टेंस माननी है, मीन्स अगर आप इसको ये इसका पोल हो गया दोस्तों, मीन्स ध्रुव हो गया, उसको आपने लिख दिया पी, और फोकल लेंथ इसको आपने लिख दिया एफ, ये फोकस पॉइंट हो गया दोस्तों इसका, तो फोकल लेंथ मान लो इसकी 3 सेंटीमीटर कंसिडर कर लो, फिर 3 का डबल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, तो यहां हमने 6 सेंटीमीटर पे क्या कंसिडर कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मीन्स वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए रूल आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, रूल इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं दोस्तों, और हमने बकायदा कॉन्वेक्स लेंस मीन्स उत्तल लेंस के लिए सारे डायग्राम बनाए, 6 के 6 डायग्राम, उसको बिल्कुल कॉपी पेन और बिल्कुल एग्जैक्ट मैपिंग के साथ हाथ में हमने उनको बनाया है दोस्तों, दैट्स व्हाई उन वीडियोस को जरूर देख लें आप। और देखिए दोस्तों एजुकेशन वो है दोस्तों जो आपका पूरा लेवल चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकती है और आपके लाइफ को बना भी सकती है। तो दोस्तों इसलिए एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और लॉकडाउन है दोस्तों, और लॉकडाउन के अंदर आप अपने घरों से बाहर मत निकलिए, परंतु घर बैठकर क्या करोगे दोस्तों, कुछ अच्छा कर लो, कुछ पढ़ लो, बिकॉज आफ्टर फ्यू टाइम योर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट, देन व्हाट विल यू डू, तब क्या करोगे दोस्तों, तब भागोगे। देखो कम से कम 3-4 महीने तक कोई भी उम्मीद नहीं है कि आपका लॉकडाउन खुल जाए, अगर लॉकडाउन ओपन हो भी गया, खुल भी गया, सारी स्थिति नॉर्मल भी हो जाती है, फिर भी स्कूल्स वगैरह और कोचिंग वगैरह को खुलने में टाइम लगेगा दोस्तों, कम से कम 2 महीने का गैप मान लो आप, तब क्या होगा, अब आपके एग्जाम होंगे जल्दीबाजी में, मींस मार्च अप्रैल के अंदर जहां एग्जाम होते हैं आपके सीबीएसई के फाइव में होते हैं फरवरी में, तब क्या करोगे आप। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना स्टार्ट करो, पर करना स्टार्ट करो। हम जो वीडियोज लेके आ रहे हैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स 40 मिनट्स, और कम से कम देखा जाए तो 15 मिनट्स, इतना ही वीडियो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो है, कंप्लीट देखें, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, और पढ़ाई पर भी ध्यान दें थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है,
और देखिए दोस्तों, हमारे साथ पढ़ोगे आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? बिकॉज कारण क्या है उसका, हम आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं दोस्तों, वो सब यहाँ पे टली करें। ऐसे थोड़ी 11 साल निकालें दोस्तों, आओ आप इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ। आप कहीं भी जाओगे दोस्तों, आप कंसेप्ट की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो यहाँ थोड़ा कंसेप्ट से हम स्टडी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ो इनको, ठीक है? अब वो लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं रखेंगे हम, हमें कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट का रखना है, इमेज का रखनी है, आपको सीधा रूल पता होने चाहिए आपको, ठीक है? और रूल्स के लिए वो वीडियो जरूर देख लें। चलो अब बात करते हैं। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रख लिया दोस्तों बिटवीन एफ एंड सी, या हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया दोस्तों और ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ए बी। स्ट्रेट होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। थोड़ा बी को मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है? फर्स्ट रे एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे ले लोगे दोस्तों, पैरेलल में समांतर होने चाहिए। अब जब समांतर, अब देखिए दोस्तों, जब ये पी हो रहा है 3 सेंटीमीटर पे, भी यहाँ पे क्या बनाओगे दोस्तों, एफ बनाओगे, और सेम डिस्टेंस मीन्स पी से 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोट कर दोगे, ठीक है दोस्तों? तो ये चाहो तो आप इनको एफ वन बोल दो, इसको बोल दो सी वन, इसको बोल दो एफ टू, इसको बोल दो सी टू। ये फर्स्ट मीडियम के लिए हो जाएगा दोस्तों। ये जब सेकेंड मीडियम मीन्स जब वो वापस से इसमें आएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन के बाद, ठीक है दोस्तों? अब क्या होगा, जैसे ही इसका रिफ्रैक्शन होगा मीन्स अपवर्तन होगा, तो प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती है दोस्तों, फोकस पॉइंट से। हमने इसको गुजार दिया फोकस पॉइंट से, ठीक है? थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, चलो उधर ही से बैठा रहेगा, चलो आपको दिखना चाहिए, मेरा हाथ तो ये बैठा हुआ दोस्तों। चलो ये हो गया दोस्तों, थोड़ा सा कोई नहीं, हम हमारा फोकस खिंचका देंगे। चलो ये रसीटो निकल गया दोस्तों, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है, ठीक है? अब सेकेंड रे हमारे को, बिकॉज इमेज फॉर्म करने के लिए हमें कम से कम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए दोस्तों, 2 किरणें चाहिए हमारे को। एक तो आ गई, एक निकल गई दोस्तों, ये पास आउट होके, ठीक है? अब हमें दूसरी और चाहिए, थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरे हम निकाल देते हैं पोल से, ठीक है, पी से। अब बिल्कुल सीधी पास हो जाएगी, ये निकली यहाँ पर, ये निकल गई यहाँ पर। अरे वाह, देखो बिल्कुल सीधा नहीं है, इतना तो मेरे से क्या स्केल से नहीं बढ़ता। चलो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही दोस्तों, इस पॉइंट पर थोड़ा सा हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस को पीछे कर देते हैं दोस्तों। ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका हमने और बढ़ा दिया आगे। ये इमेज किसकी होगी, ए की। क्यों होगी दोस्तों ए की, बिकॉज दोनों रेज कहां से निकल रही है, ए से निकल रही है। एक रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, मीन्स मुख्य अक्ष से समांतर थी, तो अपवर्तन के पश्चात कहां से निकल गई दोस्तों, फोकस बिंदु से। और दूसरी किरण कहां से निकाली हमने, ध्रुव से, और ध्रुव से निकलने वाली प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी निकल जाती है, मीन्स ये कैसे निकल जाती है, बिल्कुल सीधी। तो दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कहां पर काट रही है, इस बिंदु पर। तो ये किसकी इमेज होगी, ए की। तो ए की इमेज क्या हो जाएगी दोस्तों, ए डैस, ए वन भी बोल सकते हो, ठीक है? हमने क्या नाम दिया है, ए डैस नाम दिया। अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है दोस्तों, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखिए दोस्तों, जो रेज थी वो इमेजिनरी मीन्स आभासी रूप से मिल रही थी या रियल में मिल रही थी, बताओ? रियल में मिल रही है ना, वास्तव में मिल रही है। तो दैट्स व्हाई हमारा जो इमेज जो मिलेगा यहाँ पर, वो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। देखो दोस्तों, उल्टी है सीधी है, उल्टी है ना, तो ये उल्टी है, ठीक है? तो हम इसको लिख देते हैं इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मीन्स वास्तविक और इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। ये तो बेटा इसकी नेचर होगी, प्रकृति होगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम चिन्ह परिपाटी की, यू कैसा होगा, वी कैसा होगा, एफ कैसा होगा। ये डायग्राम में सब समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है? हम पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी बी से, पी बी। मैं यहां लिखता हूं दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी। इसकी दूरी है दोस्तों, वस्तु की दूरी। ज्यादा हिंदी नहीं लिखूंगा दोस्तों, आप नॉर्मल है, ज्यादा इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं बोल रहा मैं आपको, आराम से समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी दोस्तों, यही होगी। इसको हम डिनोट कर देते हैं यू से, तो हम लिख देते हैं एफ पी, सॉरी एफ पी इज इक्वल टू। अब देखो यू तो हम इंडिकेट करेंगे,
पॉजिटिव करेंगे या नेगेटिव करेंगे, तो हमें प्रिंसिपल डायरेक्शन देखो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है दोस्तों ये, ठीक है, राउंड कर लिया हमने। अब अगर हमें किसी भी डिस्टेंस को मेजर करना है तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा दोस्तों, पोल होगा, पी होगा। तो पी के रेस्पेक्ट में देखो डायरेक्शन को, हमें ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है दोस्तों, उधर जाना पड़ रहा है ना, है ना, उधर पड़ोस में जाना पड़ रहा है ना, तो दैट्स वाई यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? ये डायरेक्शन और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसी है दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट है, दैट्स वाई यहाँ पे एफ पी क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का यू। और आपको पहले भी बताया मैंने, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर एज नेगेटिव, उसको हमेशा नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, अब बात कर लेते हैं हम, चलो ये तो हो गया नेगेटिव, ठीक है, अपन ने यहां लिख दिया दोस्तों, है ना, माइनस यू। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज की, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी किससे इंडिकेट करेंगे। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बड़ा, इधर बड़ा, चलो मैं इधर आ जाता हूँ, प्रतिबिंब भाई सब यहाँ खड़े को देख लेता हूँ, कहाँ बन रहा है भाई, इधर बन रहा है, मीन्स उधर जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। और हमारी जो डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन देखो, दोनों डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, सेम है, और सेम है तो दैट्स वाई बी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिव। तो यू मीन्स देखिए डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको हम v से इंडिकेट करते हैं, यहां तक हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, देखिए नाम बोलो इसका, नाम क्या है, p, और इसको हम बोल देते हैं b डैश। तो p b डैश इज इक्वल टू v, और v पॉजिटिव है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, मींस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और जो यहां से रिफ्रेक्टेड रे की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो दैट्स व्हाई v इज पॉजिटिव। अब बात कर ले हम फोकस पॉइंट की, कहा गया अरे यार ये अलग ही गिर रहा है, तू क्यों छूट के जा रहा है, आजा भाई, ठीक है। फोकल लेंथ, इसकी बात करेंगे दोस्तों, फोकल लेंथ जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, तो फोकस दूरी, अब देखिए फोकस दूरी क्या होगी, पी एफ टू, ठीक है, ये तो सॉरी दोस्तों है ना, थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं, मैं इसका क्या नाम है, F, कुछ उल्टा बुल्टा नहीं लिख दिया मैंने, ये B था यार, वीडियो वापस बनाऊ, नहीं भैया ही सेट कर लेते हैं, इधर आ जाओ, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, यहां लिख देते हैं हम, क्या है एफ पी नहीं है, क्या है दोस्तों ये बीपी, थोड़ा यही सेट करेक्शन कर लेते हैं, बीपी हो जाती, छोटी छोटी गलतियां होती है दोस्तों, एग्जाम में मत करना, हमने यहां से ही कर ली ना इसको, एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहा है दोस्तों, इसका बेस पॉइंट बी हो गया, ये पी हो गया बी पी, चलो अब आते हैं फोकल लेंथ पे, ठीक है, यहाँ पे सब सही है दोस्तों, ये एफ पी डैश, ये पी बी डैश बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फोकल डिस्टेंस, अब देखिए फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो पी एफ टू हो जाएगी, पी एफ टू, और इसको किससे इंडिकेट करते हैं दोस्तों, एफ से। अब बात करते हैं पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। अब देखो इधर, तो मेन प्रिंसिपल डायरेक्शन इधर, ठीक है, और पी पॉइंट हमारा मेन ओरिजिन पॉइंट है, यहां से हम देखते हैं इस तरफ, तो हमें कहां जाना पड़ेगा दोस्तों, दोनों डायरेक्शन कैसी है, सेम है, एफ टू के लिए हमें इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, दैट्स वाई फोकल लेंथ कैसी होगी दोस्तों, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, पॉजिटिव हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको, हमें क्या निकालना है, देखो ये तो थी चिन्ह परिपाटी, ठीक है, कोई सा भी डायग्राम ले लो, आपको ओरिजिन पॉइंट पोल और मिरर के अंदर सेंटर ऑफ मिरर, उन दोनों से हमारे को कंसीडर करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब पता चल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वी कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, फोकल लेंथ कैसी हुई दोस्तों, पॉजिटिव ही, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई, नेगेटिव। अब बात करते हैं हम किसकी, लेंस फॉर्मूला की, चलो इसके अंदर अपन हाइट की बात भी कर लेते हैं, वो बाकी रह गया अपना, ठीक है, अपन बात करते हैं हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे लिखा जाता है, एच से लिखा जाता है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है या नीचे, ऊपर है ना दोस्तों, तो दैट्स व्हाई एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और यहां हम बात करते हैं इमेज की, तो इमेज कहां बन रही है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, दैट्स व्हाई एच डैश
इज इक्वल टू नेगेटिव। ये तो ऊपर नीचे वाला खेल है, ऐसा ही मिरर में होता है, ठीक है, ऐसा ही लेंस में है, ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं हम किसकी, लेंस फॉर्मूला की। देखो साइन कन्वेंशन से यानी चिन्ह परिपत्र से हमने यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है ना दोस्तों, माइनस यू, एफ पॉजिटिव हो गया, वी पॉजिटिव हो गया, हमने तीनों चीजें निकाल ली। अब हम बात करेंगे किसकी, लेंस फॉर्मूला की। तो मैं यहां से इन चीजों को इरेज कर रहा हूं ताकि हमारे बोर्ड का अच्छा खासा स्पेस मिल जाए और हमारे को कोई डाउट भी ना रहे, ठीक है दोस्तों, हमारे बोर्ड को इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जो भी इरेज करना अब इरेज कर लेते हैं। तो मैं इन चीजों को इरेज कर लेता हूं, देखिए रियल इन्वर्टेड, ठीक है, ये इरेज कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस ये सारी पॉजिटिव नेगेटिव इरेज कर देता हूं मैं। चलो चलो देखो दोस्तों, जैसा कि हमने मिरर में किया था वैसे हमें लेंस में करना होता है। हम पहले देखो ऑब्जेक्ट कौन से राइट ट्रायंगल में, ऑब्जेक्ट है राइट ट्रायंगल ए बी पी के अंदर, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है ये वाला ट्रायंगल। तो देखिए यहां एंगल कौन सा बन रहा है, ये एंगल बन रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब देखिए, अब ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, दोनों कैसे होंगे, इक्वल है दोस्तों, इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स, ठीक है, दो लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, जब इंटरसेक्ट करेगी तो इसके जो दोनों एंगल होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो एक ये दोनों ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ए बी पी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा दोस्तों, ए डैस बी डैस, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, मींस समरूप होंगे। और जब दो त्रिभुज या समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं या कोई से भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है, मींस रेस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ये आएगा, दूसरा ट्रायंगल भी पहचान लेते हैं दोस्तों ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब जो दूसरा ट्रायंगल जो हमें लेना है वो किस में आना चाहिए, देखो एक तो हमारा ये वाला आ गया ऑब्जेक्ट इमेज, ये दोनों आ गए ना, देखो इसी से ही कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बहुत इजीली कवर हो जाएगी सारी चीजें। हाँ अब बात कर लेते हैं हम, यहां पर कौन सा ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। तो रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा, हम रेस्पेक्टिव साइड सॉरी दोस्तों गला सूख गया थोड़ा सा, पानी साथ में रखना चाहिए, कल से रखेंगे दोस्तों, कोई नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, समझ परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, इक्वल होगा, लिख लेते हैं। देखिए ये कैसे इक्वल है, तो ट्रिपल ए से होगा, ठीक है, इससे इक्वल हो जाएगा, ट्रिपल है, एंगल 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 ले लो, इक्वल हो जाएगा, मींस कैसा हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, मींस कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोनों साइड्स के रेशियो की। तो परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, ए बी, यहां परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बेस अपन बेस, मींस आधार बटा हुआ आधार, मींस लंब बटा आधार बटा हुआ आधार। तो इसका आधार क्या है दोस्तों, बीपी है, ये तो हो जाएगा बी पी अपॉन, इस वाले का आधार कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पी बी डैश, तो हो जाएगा पी बी डैश, कोई दिक्कत, पी बी डैश, इसको बोल दो दोस्तों इक्वेशन वन, क्या बोल दिया, इक्वेशन वन के दिया। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल पर। तो अब देखिए दोस्तों, यहां मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये वाला राइट ट्रायंगल, जैसे इसको मैं बोल दिया एक्स बोल देते, तो एक्स पी एफ देखिए कौन सा, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, हल्का सा, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, हल्का सा डार्क कर दिया, ठीक है। ये एंगल देखो कौन सा, डबल लाइन से शो कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है, दिख रहा है दोस्तों, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है या नहीं है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे ना, ठीक है।
तो ट्रायंगल एक्स पी, देखिए दोस्तों ये क्या है, एफ टू है, एक्स पी एफ टू कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एडेस बीडेस एफ टू, एडेस बीडेस एफ टू किससे होगा दोस्तों, ट्रिपल ए से होगा, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी से। अब क्या हो जाएगा, रिलेटिव साइड्स मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, मीन्स लंब बटावा लंब बटा आधार बटावा आधार। ले लेते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स पी अपॉन ये परपेंडिकुलर लंब हो गया, इसके लिए क्या हो जाएगा, ए डेस बी डेस इज इक्वल टू, इसका बेस क्या है, पी एफ टू, पी एफ टू अपॉन इसका बेस कौन सा है दोस्तों, इसका आधार क्या है, बी डैस एफ टू, बी डैस एफ टू, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, पी एफ टू अपॉन बी डैस एफ टू, बहुत इजी है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखना, एक्स पी इक्वल है ए बी के, देखो ये दोनों रेज कैसी हैं, पैरेलल है, ये जो रे है ए एक्स किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल जब दो रेज पैरेलल होती है मीन्स दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके मध्य न्यूनतम दूरी अर्थात लंब मीन्स परपेंडिकुलर कैसा होता है, सेम होता है, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स पी, रख दें दोस्तों इसको, ए बी इज इक्वल टू एक्स पी, तो एक्स पी की जगह क्या आ जाएगा, ए पी आ जाएगा, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू, इसको बोल दो इक्वेशन टू, सॉल्यूशन मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों जलपान हो गया हमारा, वन टू दोनों के इक्वल कर दो, क्या हो जाएगा, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू, यानी समीकरण एक व दो को बराबर करने पर, इक्वेटिंग मीन्स बराबर करना, क्या हो जाएगा, बीपी अपॉन पीबी डेस इज इक्वल टू पी एफ टू अपॉन बी डेस एफ टू, पी एफ टू अपॉन बी डेस एफ टू, ठीक है, दोनों के हमने आरएचएस बराबर कर दिए, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, बी पी इंटू बी डैश एफ टू इज इक्वल टू पी बी डैश इंटू पी एफ टू, हो गया इक्वल। अब देखिए दोस्तों इन सबके अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, बीपी क्या है, बीपी हो जाएगा माइनस का यू, बीपी क्या होगा, माइनस का यू इंटू बी डैश एफ टू, ध्यान से देखो बी डैश एफ टू ये इतनी सी डिस्टेंस, ध्यान से देखना हमारे को यू एफ और वी की फॉर्म में ही इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तो बी डैश एफ टू क्या हो जाएगा, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है, वी, इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, एफ माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वी माइनस एफ करोगे तो क्या निकल जाएगा आपके, एफ टू बी डैश निकल जाएगा, मीन्स वी माइनस एफ को दिक्कत इज इक्वल टू पी बी डैश, पी बी डैश ये तो अपने आप ही वी है दोस्तों, डायरेक्ट लिख देते हैं वी इंटू पी एफ टू, ध्यान से देखो पी एफ टू का ये रहा पी एफ टू जो क्या है, फोकल लेंथ है एफ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या हो जाएगा, ये माइनस का यू वी प्लस का यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। अब क्या कर लो, इसको मैं इधर भेजू क्या, चलो पढ़ा रहने दो इसको, यहीं पे यू वी एफ का डिवीजन कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग बाय यू वी एफ ऑन एल एच एस एंड आर एच एस, डिवाइड यू वी एफ इन दोनों का जो तीनों का प्रोडक्ट है, उधर भी एल एच एस में भी डिवाइड कर देते हैं आर एच एस में भी डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस का यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, मीन्स काट दो, यू वी से यू वी कट जाएगा दोस्तों, क्या बच गया, वन अपॉन एफ बच जाएगा, ऊपर क्या बचा वन, यू एफ से यू एफ कैंसिल, क्या बच गया, वी बच गया, वी एफ से वी एफ कैंसिल, क्या बच गया दोस्तों,
यू बच गया। अब देखो क्या क्या बचा वो लिख देते अपन, माइनस वन अपॉन एफ इज इक्वल टू, अच्छा या प्लस है दोस्तों, प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन यू। अब देखिए यू वी एफ की फॉर्म में आ गया, तो अब लिख लेते हैं हम इसको, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बाकी सबको, इधर से उधर अदला बदली कर देते हैं, वन अपॉन एफ को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया, उधर कर दिया दोस्तों, ठीक है इधर भेज देते हैं इसको, चलो ये भेज दिया इधर और इसको भेज देते हैं उधर, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन एफ, सॉरी क्या है यहाँ पर वन अपॉन यू है ना दोस्तों, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, इट इज द लेंस फॉर्मूला। यही क्या है दोस्तों, लेंस फॉर्मूला। या पड़ोसी नहीं सुधरने वाले भाई साहब, सुधर जाओ यार, पढ़ाने दो, इनके सामने इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इधर आओ, चलो आप देखो इधर अपने पे कंसंट्रेट करो, मेरे पे नहीं। चलो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ये हमारा क्या होगा लेंस फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मैग्निफिकेशन की, किसकी बात कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन मीन्स आवर्धन की, तो आवर्धन के लिए जगह है, इधर लिख लेते दोस्तों आवर्धन, इतनी जगह पड़ी बहुत है, इतने में तो हम कबड्डी खेल लेंगे पूरी, एम आवर्धन को यानी मैग्निफिकेशन से लिखा जाता है, एम से एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच डैश अपॉन एच, हाँ ले लेंगे भाई साहब, वी अपॉन मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ पहले तू सब्जी बेच ले, बेच ली भाई साहब चले गए आगे, सर एम इज इक्वल टू एच डबल एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। आवर्धन होता क्या है, आवर्धन होता है प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का अनुपात, मीन्स जो आपका साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज अपॉन ऑब्जेक्ट, इसको किसे लिखा जाता है एच डैश से, ठीक है। और डिस्टेंस, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो है, ठीक है, मीन्स वी अपॉन यू एच डैश, ध्यान रहे एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाते हैं अपन, एच डैश कैसा है दोस्तों, नीचे नेगेटिव आ जाएगा, हमने लगा दिया नेगेटिव, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं एच डैश अपॉन एच, और एच कैसा हो गया नेगेटिव हो गया, एच कैसा है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, देर से पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। V देखो दोस्तों, V का है ये रहा, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। U देखो दोस्तों, U कैसा है, U है नेगेटिव। अब इस वाले नेगेटिव से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देन हमें लास्ट में क्या मिलेगा, जो हमारा फॉर्मूला होगा मैग्निफिकेशन के लिए, वो लिख देता हूँ नीचे, ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन, ये इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। तो ये पूरा कंप्लीट डेरिवेशन है, ठीक है, आप इसको खुद कॉपी पेन में करो एक बार, तो डेरिवेशन प्रैक्टिस से ही आते हैं दोस्तों, रटन विद्या नहीं लगती यहाँ पे, आप नहीं रट सकते कि कहाँ पॉजिटिव रखना है कहाँ नेगेटिव रखना है, सारे साइन कन्वेंशन और सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, हमें कौन कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, बिकॉज दोस्तों यही पे स्टार्टिंग है, ठीक है। जब हमने सही ट्राइंगल्स ले लिए, उनकी कॉन्ग्रेंसी सही सेट कर ली और सिंबल्स वगैरह प्लस माइनस हमने अगर सही लगाए हैं, तो हमारा डेरिवेशन बिल्कुल परफेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो इसी के साथ ही चश्मा मैं सीधा कर लेता हूं दोस्तों, अब आ जाते हैं अपनी अपील पर। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों को शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। Thank you.